इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंधु मुस्लिम सोसाइटी पे और यहाँ पर एक क्यूट सा बच्चा इस वक्त मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल इबाद। अब्दुल इबाद, क्या क्या सेल कर रहे हैं आप? मैं खिलौने वगैरह सेल करता हूँ। क्या सेल कर रहे हो? खिलौने वगैरह सेल करता हूँ। खिलौने वगैरह सेल करते हैं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मैं 10 साल। 10 साल के पढ़ते हैं आप? ट्यूशन स्कूल जाता हूँ। ट्यूशन स्कूल जाते हैं। क्या रूटीन है आपकी, किस टाइम आते हैं आप यहाँ पे? मैं 9 बजे लगाता हूँ यहाँ पे। सुबह स्कूल जाता हूँ, 7 बजे 8 बजे तक स्कूल जाता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ मैं 12:20 पे। उसके बाद आता हूँ घर पे, मैं सो जाता हूँ, फिर उसके बाद 4 बजे ट्यूशन निकल जाऊँ, फिर उसके बाद ट्यूशन से 7 बजे, फिर उसके बाद मैं घर पे आके थोड़ा लेट वेट जाता हूँ, फिर भाइयों के साथ खेल लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ 9 बजे तक यहाँ पे। मतलब देखें, इतने माशाल्लाह शार्प है, पूरी एक रूटीन इन्होंने अपनी बता दी यहाँ पर, कितने बजे जाते हैं, इतने बजे जाते हैं, इतने बजे आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितनी सेल हो जाती है एक दिन में आपकी? मेरी कभी 700 रहती है, किसी दिन 1000 हो जाती है, जैसे कोई 1500 दे देता है उस दिन ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग? मेरी एक बहन है, हम 9 भाई हैं। माशाल्लाह, कितने भाई हैं? एक बहन है, हम 9 भाई हैं। 9 भाई हैं। आपका कौन सा नंबर है? मैं बीच में, बीच वाले नंबर है। 4 है 5 है 6 है। मैं 5 नंबर में। अच्छा, आपसे बड़े कितने भाई हैं आपके? 4 मुझसे बड़े हैं, 4 मुझसे छोटे। जॉब करते हैं? जी, 2 भाई काम करते हैं, 2 भाई नहीं करते। अच्छा जी, सही। अच्छा व्यूअर्स, देखें यहाँ पर बच्चा है, माशाल्लाह ये मेहनत कर रहा है और बहुत क्यूट सा बच्चा है, और देखें इसके पास यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज हैं। अच्छा, क्या क्या, कितने प्राइजेस क्या हैं इसके? इसके 200 के हैं, इसके 300 हैं, ये कंघे वाला है, ये किचन है 200 वाली अच्छी है, और ये रैकेट है 300 का, ये 150 का है, और ये बुलबुले हैं, ये 100 का है, और ये भी हैं रेजर लाइट है वगैरह, तो ये 100 की हैं, और ये भी ट्यूब वगैरह हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं आपके पास? ये तो वो हैं, ये भी ट्यूब से, और मेरे पास ये भी है। मतलब भाई देखिए, बच्चे के साथ बहुत माशाल्लाह बहुत सारी वैरायटी है इसके पास। ये बताओ आप कहाँ से आते हो? मैं लैंग्स एरिया से। पटाखे भी हैं, देखें पटाखे जैसा बच्चा और पटाखे भी हैं इसके पास। स्टॉप कर दे। लाइन एरिया से आते हो? कैसे आते हो, साइकिल पे ही आते हो? साइकिल पे आता हूं। अच्छा, वापसी कब तक जाते हो? मैं जैसे ये 2 बजे 1:30 1 बजे ऐसी चले जाना, फिर सुबह स्कूल। सही है। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत ही मतलब मेहनती बच्चा है ये। देखें, सबसे पहली बात मुझे इसकी ये अच्छी लगी कि ये पढ़ता भी है, इसने अपने स्टडी का लॉस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया है। कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 2 में आने वाली हूँ। ग्रेड 2 में? अच्छा, जिस वक्त अभी देखें ग्रेड 2 में है, स्टडी भी कंटिन्यू है, ट्यूशन भी जाते हैं, देन फिर ये आते हैं यहाँ पर, और देखें मतलब मेहनत कर रहा है इस एज में। ये नसीहत है हमारे लिए कि देखें मेहनत करें, उसका फल भी हमेशा मिलता है। तो भाई मैं ये कहूँगी कि अगर आप मुस्लिम सोसाइटी पे आना, आपको कभी विजिट हो यहाँ पर आने का, तो ज़रूर इस बच्चे से कुछ ना कुछ परचेज़ करें। इंशाल्लाह मैं भी परचेज़ करूँगी, और आप भी, आपका भी यहाँ पर आना हो तो उसको सपोर्ट करें और इसको, इसकी चीज़ों को परचेज़ करें, क्योंकि ये सिर्फ हमें मेहनत कर रहा है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।